तो पीछे से एक लाइट जला लें या फ्रंट से जला लें जिससे स्क्रीन डिस्टर्ब ना हो, हाँ, जो स्क्रीन के ऊपर लाइट की रोशनी ना आए। ये स्क्रीन पे तो नहीं आ रही है, बस ठीक है, ये ऑन रहने दें आप, ठीक है, ओके। हाँ जी, अब जरा थोड़ा सा पहले डिस्कस करते हैं कि हमारे लेसन्स कितने हो गए, मतलब कितने सेशंस हुए हैं। दो सेशंस हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें से एक तो हमारा इंट्रोडक्शन का सेशन था सारा, और दूसरा जो सेशन था उसमें हमने क्या सीखा था, हाँ, वीडियो यूट्यूब, यानी कि, और यूट्यूब बिल्कुल ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएंगे यूट्यूब चैनल के ऊपर कितने लोगों की, कोई न्यू स्टूडेंट्स कौन है जो मुझे आज फर्स्ट डे नज़र आ रहे हैं, एक आप, एक आप हैं, एक आप हैं, आप लोग तो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे, तो आपको सारी समझ में आया स्टोरी। आप फर्स्ट डे हैं, एक लेसन हमारा इंट्रोडक्शन का हुआ, ठीक है, फ्रीलांसिंग में, और एक लेसन हमारा हुआ यूट्यूब चैनल का। अब यूट्यूब चैनल की क्या इंपॉर्टेंस है फ्रीलांसिंग में, कि भाई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो फिर फाइवर पर जाएं, अकाउंट बनाएं, गिग लगाएं, बात खत्म, हाँ, ऐसे नहीं है। स्ट्रेटेजी को समझना है कि किस स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है तो हमें कुछ मिलेगा, तो स्ट्रेटेजी में हमें जो चीज़ें चाहिए वो हमें सीखनी है, फिर फायदा होगा। और इसका तरीका ये है कि अभी जब तक आप अपनी पहली गिग नहीं लगाते हैं, आपने लगी हुई गिग्स देखी है, वो वाली गिग्स जो आप लगाना चाहते हैं, ऐसी गिग्स जो आप लगाना चाहते हैं, आपने वो वाली गिग्स देखी है। मतलब आप में से कोई बंदा डाटा एंट्री की गिग लगाना चाहता है तो पहले ये देखें कि लोगों ने जो डाटा एंट्री की गिग्स लगाई है कैसी, और हमने उसको बिल्कुल फॉलो करना है, उसी की गिग को फॉलो करना है जो टॉप रैंक की होगी, ठीक है। गिग क्या होती है, ऑफर, मैं कह गिग क्या होती है, आपकी ऑफर फाइवर के ऊपर कि भाई मैं ये चीज़ सेल कर रहा हूँ, मैं अपनी ये वाली स्किल सेल कर रहा हूँ, किसी को मेरी स्किल की ज़रूरत है तो मुझसे बाई कर ले, इज अ गिग, ठीक है, ये गिग होती है हमारी। तो आपने अभी देखना है कि जो डाटा एंट्री का है, इसी तरह मैं कहूँ कि आपने ऑफिस भी सीखा हुआ है, और मैं ये कहूँ कि कम अज़ कम आपने ऑफिस सीखा हुआ है, यानी मतलब आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करना आता है कम अज़ कम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सी वी मेकिंग की स्किल सेल कर सकते हो, इसका मतलब हुआ आप डेटा एंट्री की स्किल सेल कर सकते हो। लेकिन इससे पहले आपको अपनी इस स्किल को एक्सपर्टीज लेवल पर भी लेकर जाना है। मतलब आप कह रहे हो कि आपने सीवी मेकिंग की स्किल करनी है, तो क्या आपने सीवीज बनाई है कभी, यानी इसका मतलब ये हो ना, आपको सीवीज बनाने चाहिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ठीक है। तो ये तो हो गए बिल्कुल फाउंडेशन के लोग जो काम कर सकते, इसका मतलब क्या होगा कि जो ग्राफिक डिजाइनर हैं, जिन्होंने जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करना आता हो, पावर पॉइंट इस्तेमाल करना आता हो, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, वो प्रेजेंटेशन की स्किल दे सकते हैं, तो वो ये फाउंडेशन वाली सारी स्किल्स ऑफर कर सकते हैं, साथ में अपनी डिजाइनिंग वाली स्किल्स को भी ऑफर कर सकते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अगर मैंने किसी को स्किल ऑफर करनी है, ठीक है ना, तो मुझे पहले अपने आप को शो करना पड़ेगा, किसी को दिखाना पड़ेगा कि भाई मैंने ये काम किया हुआ है। मतलब आपने सीवीज की स्किल ऑफर करनी है तो आपको अपनी स्किल्स को शोकेस करना होगा, मुझे अपना एक पोर्टफोलियो बनाना होगा। अब हम जब गिग लगाते हैं तो हम अपने आप को किस तरह शोकेस करते हैं, हम अपने आप को किस तरह दिखाते हैं दूसरों को, किस तरह दिखा रहे हैं कि भाई हम ये वाला काम कर सकते हैं, हम ये वाला काम कर सकते हैं, तो हमें जो हमने प्रोफेशनली काम किए होते हैं, मतलब मैं ये कहता हूँ भाई मैं एक प्लेटफॉर्म से डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, तो मेरे 15-20 क्लाइंट्स हैं जो लाइव हैं इस वक्त, एक्टिव हैं 40-50 वो क्लाइंट्स हैं जो मुझसे काम करवा चुके हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा अपना, जिसमें मैं अपने प्रोजेक्ट्स को दिखा सकूँ किसी को, कि किसी ने अगर मुझसे सर्विस लेनी है तो वो पहले ये देखे इन्होंने क्या किया हुआ, इसका तरीका क्या होगा। मतलब मैं कहूँ भाई स्टार्स अकेडमी मेरा क्लाइंट है, ठीक है, सो मैं जो डॉक्यूमेंट बनाऊँगा सबसे ऊपर लिखूँगा स्टार्स अकेडमी लाहौर, उसके नीचे उनकी वेबसाइट का एड्रेस, उसके नीचे क्या करूंगा एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगा उनकी वेबसाइट का। अब किसी बंदे ने देखना होगा कि इन्होंने क्या काम किया हुआ है, स्क्रीन की शक्ल में भी उसे नजर आ गया, उसने कहा मैं देखता हूँ इसने वेबसाइट कैसी बनाई हुई है इन्होंने, तो वेबसाइट पर क्लिक करेगा तो वेबसाइट खुल के उसके सामने आ जाएगी, लाइव है ना, ऑफलाइन तो काम कोई नहीं दिखा रहा, मैं उसको लिंक भेजा ना उसको मैंने, उसके बाद वो कहेगा जी मैं उसे ऑफर कर रहा था मैं फेसबुक का भी काम करता हूँ, तो मैंने क्या किया फेसबुक के पेज का URL भेजा और उनके फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट भेजा, ठीक है। और अगर मैं कहता हूँ मैं ऐड पे भी काम कर रहा हूँ तो मैंने ऐड के एनालिसिस भेजे एक स्क्रीन की सूरत में, तो इसका क्या फायदा हुआ, उनको सब नजर आ रहा है,
कि मैं कौन सी सर्विसेज देने लगा हूँ, मेरी कौन सी सर्विसेज हैं। अब उसके लिए फैसला करना आसान होगा कि मैंने किसको ऑफर करनी है, कौन सा बंदा है जो राइट पर्सन है मेरे प्रोजेक्ट पे काम करने के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे नहीं है कि हमने कुछ सीखा, गिग लगा दी और फिर सुबह पूछा क्यों भाई अब आ क्यों नहीं रहा, हाँ मैसेज क्यों नहीं आ रहा, कोई ऑफर क्यों नहीं आ रही मुझे। यानी आपको काम करना भी आना चाहिए, आप अपनी स्किल को घर बैठकर एक्सपर्टीज की तरफ लेकर जाएं। मतलब जो लोग सीवीज बनाना जानते हैं, सीवीज बनाएं, सारे खानदान वालों के बना दें, दोस्तों के बना दें, डमी बना दें, मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स के साथ सीवी बनाएं। जो लोग कैनवा पे अच्छा काम कर सकते हैं, कैनवा पे तो सब कुछ ही हो सकता है, चाहे तो उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर लो, चाहे उसमें प्रेजेंटेशंस का काम कर लो, चाहे उसमें सीवी मेकिंग का काम कर लो, हर चीज़ की टेम्पलेट्स मौजूद है, वहाँ से बनाएं, वहाँ पे आपको और आसानी हो जाएगी, चीज़ें भी मिल जाएंगी। कैनवा पे जाकर सीवी मेकिंग देखें ज़रा, सीवीज कितनी तरह की हैं, गूगल करके देखें सीवीज को, सीवी टेम्पलेट्स लिखें, सीवी तो नहीं आएगा, पैसे लेके सीवी बनाएंगे वो, कम से कम इमेजेस में कोई स्क्रीनशॉट तो आएगा ना सीवी का आपके सामने, आपको अंदाज़ा तो होगा कि सीवी बनाना किस तरीके से हमने। क्योंकि जब तक हमें अपनी स्किल को पॉलिश करना है फिर हम किसी को दिखाएंगे। मतलब यहाँ पर आपके सामने किसी टीचर को लाकर खड़ा कर दें और वो कहे जनाब मैं बहुत एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर हूँ, तो लाजमी बात है उसे अपनी स्किल्स आपको दिखानी पड़ेंगी। कैसे दिखानी पड़ेंगी? इन केस ऑफ ट्यूटोरियल्स, है ना, यानी सिखाना पड़ेगा ना आपको। अगर आपको मैं एक कहानी सुनानी शुरू हो जाए, कोई बंदा रोजाना कहानी सुनाए, तो आप एक दिन कहेंगे इट्स ओके, दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर आप कहेंगे कि ये तो अभी हमें क्यों नहीं इसका कोई फायदा पहुंच रहा, हमें प्रैक्टिकल कब मिलेगा इस चीज़ का। तो मतलब आपका एक मिनट में पता लग जाएगा वहां पर कि आप क्या कर रहे हो। और अगर आपसे कोई बंदा रब्ता नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इम्प्रेस नहीं कर सके, अपनी गिग में उसे इम्प्रेस नहीं कर सके। गिग में इम्प्रेस कैसे करना है? देखें, सबसे पहले गिग में इम्प्रेस करना है, गिग ऊपर आ जाए, ऊपर आएगी तो कोई क्लिक करेगा, ठीक है। उसके बाद आपने गिग का जो कंटेंट दिया हुआ है वो किसी बंदे को मुतासिर कर रहा हो, उसके बाद आपने उस अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, आपने अपना जो पोर्टफोलियो दिया हुआ है वो दिखा रहा हो कि आपने ये काम किए हुए हैं, आप उसका ये काम कर सकते हो। तो अब हम क्या करने लगे हैं, आज के लेसन में हम क्या करने लगे हैं, हम ये सपोज कह रहे हैं कि जनाब हम एक प्रोफेशनल हैं, ठीक है, और वीडियो मेकर भी नहीं है, लेकिन हमें अगर कभी वीडियो बनानी पड़ जाए, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अपने प्रोजेक्ट को वीडियो की सूरत में दिखाना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया था डीएम का, गूगल ड्राइव के ऊपर एक डीएम का लिंक है, उसके अंदर वो सारे टूल्स हैं जो एज ए डिजिटल मार्केटर मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। मतलब कोई बहुत बड़े बड़े टूल्स नहीं है, फोटोशॉप का टूल है, ठीक है, फिल्मोरा का टूल है, इन पेज का टूल है, और ये भी नहीं मैं कह रहा कि वो टूल हमने पूरे के पूरे इस्तेमाल करने, जब तक नहीं सीखेंगे हम कोई काम नहीं कर सकते। हमें टारगेटेड उनको देखना है कि भाई मैं ये वाला टास्क करना चाह रहा हूँ फिल्मोरा में, मतलब अभी मैं टारगेटेड टास्क करना चाहता हूँ एक 20-25 मिनट का। वो टास्क क्या है कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक स्किल है, मैंने ये सर्विसेज भी दी हुई हैं, तो क्या सर्विसेज हैं, सपोज कर लें सीवी की हम कर लें, तो सीवी के स्क्रीनशॉट्स तो लिए जा सकते हैं ना, मैं थंबनेल की कर सकता हूँ, मतलब मैं ये कहता हूँ कि मैं यूट्यूब के प्रोफेशनल थंबनेल्स बनाकर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, हो सकता है मेरे पास 50 थंबनेल्स हों, 100 हों, 1000 हों, तो मैं उनमें से कोई अपने टॉप के थंबनेल 7-8 निकालता हूँ, उसकी एक वीडियो बना देता हूँ, बैकग्राउंड पे हल्का सा म्यूजिक लगा देता हूँ, और उसको अपने पोर्टफोलियो में रख देता हूँ उस वीडियो को, ताकि कोई भी बंदा मेरी गिग को देखेगा तो मेरा पोर्टफोलियो देख रहा होगा, तो उसमें मेरी वीडियो नजर आएगी, बेसिकली मेरे थंबनेल्स उसको दिख रहे होंगे, तो वो मेरे थंबनेल्स को देख कर उसको लगेगा कि भाई ये बंदा वाकई काम करने वाला है, इसने काम किया हुआ है। अदरवाइज आप को यहाँ तो वो कॉल करके पूछेगा कि भाई आपने कौन सा काम किया हुआ है, किस चैनल पे काम करते हो, किस तरह के थंबनेल बना सकते हो, आपने अलहदा जिस फील्ड के, मैंने रियल स्टेट के बनाए हुए हैं अलहदा थंबनेल्स, मैंने एजुकेशनल बनाए हुए हैं अलहदा थंबनेल्स, मैंने कमर्शियल बनाए हुए हैं अलहदा थंबनेल्स, मैंने सभी की एक बनाकर लगा दी। उससे क्या पता लगा उसको कि भाई ये इन सारी फील्ड्स पे काम करने लगा हुआ है, सो मैं इससे काम लूंगा तो मुझे अच्छा काम मिलेगा, ठीक है। सो हमने क्विकली करना है, तो पहला मैं क्या टास्क बताने लगा हूँ आपको, हमने इसमें ये आ गए, हम इसमें फिल्मोरा में आ गए, ठीक है। मैं सपोज कर रहा हूँ आप में से किसी को भी फिल्मोरा इस्तेमाल करना नहीं आता, और 30 मिनट का जो मैं लेसन दूंगा उसमें आपको उतना फिल्मोरा इस्तेमाल करना आ जाएगा जो मैं चाह रहा हूँ। मतलब इसके लिए आपके पास घर में फिल्मोरा इंस्टॉल होना चाहिए। इस टूल को हम क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, इसलिए कि ये बड़ा
इजी टू यूज टूल है नंबर वन, नंबर टू हैवी टूल नहीं है ये, ठीक है, मतलब इसके लिए बहुत हैवी किस्म के आपके रिसोर्सेज नहीं है, इसके लिए थ्री आपको कार्ड की जरूरत नहीं है, ठीक है, आम लैपटॉप में भी आप इसे कर सकते हो, कोई पोर्ट टू डू का लैपटॉप आपके पास होगा तो उसमें भी चल जाएगा, जिसमें भी विंडो आपके पास चल रही है उसमें ये आपका चलेगा। सो ये हम इस पे आ गए, मैं न्यू बिल्कुल न्यू से स्टार्ट कर रहा हूं और अब हम करने क्या जा रहे हैं, बेसिकली मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूं तस्वीरों से, ठीक है, यानी मैं ये कह रहा हूं मैंने अपने स्क्रीनशॉट्स को शोकेस करना है और तस्वीरी शक्ल में एक वीडियो मैंने बनानी है। सो मैंने जो जो टास्क करने होंगे वो मैं आपको क्विकली बताऊंगा। सो सबसे पहले मैं यहां पे आ गया जी न्यू प्रोजेक्ट में, और न्यू प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम देखें तो मुख्तलिफ साइजेस आ रहे हैं, ठीक है, आप यहां तक कोई भी साइज ले रहे हो, वैसे अगर आप देखो फ्यूचर के लिए तो एक लिखा हुआ वाइट स्क्रीन, एक लिखा है इंस्टाग्राम, सबको पता है इंस्टाग्राम क्या है, मतलब इंस्टाग्राम की वीडियो बनाना चाह रहे हो तो यहां से इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करो और वही वाला साइज देगा जो वीडियो इंस्टाग्राम की वीडियो का साइज होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर मैं कोई बड़े साइज की वीडियो बनाऊं यूट्यूब के लिए या फेसबुक के लिए बनाऊंगा तो जब मैं इंस्टाग्राम पे लगाऊंगा तो वो पूरी वीडियो नजर नहीं आ रही होगी मुझे, क्योंकि उसकी डायमेंशन अलग है। सो यहां से मैं अगर इंस्टाग्राम को पिक करूंगा वो आ जाएगी, पोर्ट्रेट का मतलब है शॉर्ट बनाना चाहता हूँ यूट्यूब के लिए, ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि मोस्टली जगहों पर वो लग जाएगी, फेसबुक पे भी लग जाएगी, यूट्यूब पे भी लग जाएगी। तो सपोज हम करते हैं, फिलहाल मैं क्या करने जा रहा हूँ जी, ये लेता हूँ जी सबसे बड़ा जो है सिनेमा साइज ले रहा हूँ मैं, हाँ कहता है इस फाइल को सेव करने है आपने, मैं कहता हूँ नो, खुल गया, आपने ऐसे सीखना जैसे मैं बता रहा हूँ, मतलब ऐसे नहीं समझने की कोशिश करनी है कि जनाब ये फिल्मोरा पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने तो पता नहीं कुछ 5-6 लेक्चर पढ़ाता रहूंगा, हाँ मैंने आपको आधे घंटे में ये सारी चीज़ें बतानी है और इस आधे घंटे की बेस के ऊपर आपने यही काम करना होगा जो मैं करूँगा, ठीक है, जितना करूँगा जी। अब ये हमारे पास एक स्क्रीन आ गई है, हमने यहाँ पर डबल क्लिक करना है, ठीक है, मैंने कहा मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैंने एक वीडियो बनानी है तस्वीरों के साथ, तो यहाँ पे मैं क्या ऐड करने जा रहा हूँ, इमेजेस ऐड करने जा रहा हूँ, तो मैंने इस पे डबल क्लिक किया है और यहाँ पर आकर देखें इसके ऊपर एक मीडिया लिखा हुआ है, एक ऑडियो लिखा हुआ है, एक ट्रांजिशन लिखा हुआ है, वो और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैंने जिन चीज़ों के नाम लिए शायद मैंने इनको अभी इन्हीं को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहाँ पर मौजूद था, मीडिया में था, सबसे पहले मैं कहाँ पर मौजूद था, मीडिया में, यहाँ पर मैंने डबल क्लिक किया जी, मैं जहां पर मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं मैं उस जगह पर चला जाता हूं। चले जी, मैंने अपने क्लाइंट के जो थंबनेल्स बनाए हुए हैं मैं उन्हीं पे चला जाता हूं और यहां से आके हम जाते हैं उसी के 2-4 थंबनेल्स ले लेते हैं, ये रियल स्टेट के थंबनेल्स होंगे, ठीक है, इधर से मैं 3-4 ले लेता हूं, वीडियोस भी पढ़ी हैं, हम सिर्फ थंबनेल की बात कर रहे हैं, फोटोशॉप 2-3-4, चलो जी फिलहाल ये मैंने 4 तस्वीरें ले ली हैं, बल्कि अभी ज्यादा ये थोड़ी कर देते हैं इनको, आगे ये 3-4 थंबनेल्स अभी ये मेरे पास कहाँ पर आ गए हैं, इधर विंडो में नजर आ रहे हैं मुझे, अभी ये राइट साइड पे नहीं, प्ले तो नहीं हो सकते, प्लेबल तो नहीं है, सबको पता लग रहा है ना, इसके नीचे वाला जो हिस्सा ये लेयर्स आ रही हैं। अब बेसिकली फिल्मोरा के अंदर अगर मैं ये कहूँ आएगा क्या क्या, वीडियो आएगी, बताया सबको, वीडियो आएगी तो एडिट होकर वीडियो बनेगी, तस्वीरें आएंगी, ऑडियोज आएंगी, बस यही चीजें हैं ना जो हमने लानी है, तो ये 3 लेयर्स अलग अलग यहाँ पे पड़ी हुई है। अब मैंने क्या करना है, इनको लेकर आना है यहाँ पर, मैं पहले ये वीडियो ऐड करता हूँ, ये जो मैंने पिक किया सारी की सारी इकट्ठी आ गई क्योंकि सिलेक्ट हुई हुई थी, हाँ अगर एक को क्लिक करता तो फिर एक एक करके आती, सिलेक्ट करके हम सारी ले आए। अच्छा, अब ये राइट साइड पर भी आ गई और इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी लेयर में आई है, इमेजेस के लेयर में आई हैं, क्योंकि ये तस्वीरें हैं तो इमेजेस के लेयर में आई हैं। प्ले करें, देखते हैं क्या होता है, सिंपल है अभी तो, कोई इतना खास कोई इमेज की लेयर में ही जाएंगी, क्योंकि इमेज है इकट्ठे चलाने हैं तो मैंने इसलिए इनको साइड बाई साइड रखा है, ठीक है, मैं चाहूं तो ऊपर भी रख सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी फिलहाल इसमें कुछ भी नहीं है, बस 1x1 नजर आ रही थी सारी, हाँ एक रह गई है, इस पर जरा क्लिक करो, बस यहां तक ब्लैक एरिया नजर आ रहा था ना हमें, तो मैंने कहा यार ये पूरी कर लो इस विंडो को यूज करो, क्योंकि इमेज उतने साइज के नहीं थे,
ये देखें जरा ऊपर कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ग्रे हो रहा है ऊपर वाला हिस्सा। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उधर से बाहर ले गया हूँ इसको, ठीक है वापस ले आए इसको। चलो इधर से भी देख लें, ठीक हो गया। ये थी, अब इसको ले आए। चलो भाई ये सारे सिलेक्टिव हुए हैं, अब इसको एक एक करके ले। चलो चलिए, अब मैं ये वाली एक्सरसाइज दोबारा नहीं करता, ये आपको समझ में आ गई है ना, ये जो मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ, मैं क्या आपको पता लग गया कि आपने इसका साइज कैसे एडजस्ट करना है। यहाँ तीसरी ले आता हूँ और चौथी ले आता हूँ। आप इस तरह आप यूट्यूबर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कोटेशन की भी बना सकते हो ना वीडियो, मतलब नेट से कोटेशन लें या खुद से टाइप करें, उसका इमेज बनाएं और उसको यहाँ पर ले आएँ, 6-7 कोटेशन को यहाँ पर ले आएँ और उनकी वीडियो बनाएं और उसको अपलोड कर दें। जिनके पास कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, वो कोटेशन की बहुत सारे चैनल्स हैं जिन पे कोटेशन लगी होती हैं, सिर्फ कोटेशन की वीडियोज होती हैं कि बैकग्राउंड पर कोई म्यूजिक होगा साथ पैरेलल उनकी कोटेशन चल रही होती है, ठीक है। जैसे आपका शायरी वाला चैनल है उसके ऊपर भी तो इसी तरह चल रहा होता है ना, कुछ चीज़ें टेक्स्ट पिक्चर्स की फॉर्म में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा अब आ जाते हैं आगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर में कन्वर्ट हो रहा है, दूसरी से तीसरी में हो रहा है, कुछ हल्की फुल्की सी एनिमेशन इस पे लगा लेते हैं, लाइट सी ट्रांजिशन में आते हैं। ये इसकी अपनी है, ठीक है, ये जैसे पावर पॉइंट में ट्रांजिशन होती है सेम वैसे ही है। यहां से आप कोई सी भी ट्रांजिशन ले लो, ये जी यहां से पकड़ा मैंने इसको और यहां लाकर इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया। अब मैं कैसे ड्रॉप कर रहा हूं आप देख रहे हैं, पार्टली एक लेयर पर है और पार्टली एक तस्वीर पर आ रहा है और पार्टली दूसरी तस्वीर पर आ रहा है। किसी एक पे नहीं रखना आपने, बिल्कुल सेंटर में रखाना है दोनों तस्वीरों के। चलो देखें जरा अब क्या हो रहा है, पता लग गया। अच्छा इसी तरह मैं यहाँ पर ये वाली लगा लेता हूँ, अभी आपकी चॉइस है कि आप कौन सी लगा रहे हो कहाँ पे, तो यहाँ पर ये लगा लेते हैं। चलिए अब इसको जरा प्ले करें, एक से दूसरी में आ गया, ठीक है। अब ये शो केस कर रहे हैं आप अपने थंबनेल्स को, ये स्पेशली हम थंबनेल की बात कर रहे हैं तो उस पॉइंट से हम ये बात करें। सेम आप लोग सीवीज बना रहे हो तो आपके पास सीवीज की तस्वीरें भी हो सकती हैं ऐसे, हाँ तो उनको उनकी भी आप तस्वीरें लेकर उसको दिखा सकते हैं कि आपने जो सीवीज बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो सीवीज होंगे उनको शोकेस कर देंगे आप। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड पे ना कुछ जरा म्यूजिक वगैरह भी हो जाए थोड़ा सा, हाँ हल्का फुल्का सा लाइट सा म्यूजिक हो। तो अब हम क्या करेंगे, मैं इधर से ऑडियो पे जाता हूँ, ठीक है, ऑडियो लिखा हुआ है ना जी यहाँ पे। अब क्या करें, ये मैंने अभी एक ऐड किया म्यूजिक यहाँ पे। अच्छा अब म्यूजिक का क्या इशू है, म्यूजिक का इशू ये है कि यूट्यूब के ऊपर आपको जब भी कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, वो आवाज पर आती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आवाज का ही इशू है। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, मैंने अपना एक न्यूज चैनल बनाया हुआ है तो मैं जियो टीवी देखने लगा हूँ, साथ ही मैंने लैपटॉप भी हाथ में पकड़ा हुआ है, फोटोशॉप भी खोल कर रखा हुआ है, फिल्मोरा भी खोल कर रखा हुआ है, सब कुछ। जैसे कोई नई न्यूज आती है मैं उसकी वीडियो लेता हूँ और उसकी वीडियो 2 मिनट की न्यूज लेकर उसकी ऑडियो निकाल देता हूँ बीच में से और उसके ऊपर वॉइस ओवर करके सारी न्यूज बता देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, सब कुछ वही है, जियो का लोगो आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, वीडियो चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, नहीं आएगा न्यूज पे, नहीं आएगा, मैंने कहा न्यूज पे नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा अब ये जो मैनुअल कॉपीराइट स्ट्राइक है ना, ये कैसे आता है, अगर आप फ्रीक्वेंटली किसी एक बंदे को पकड़ लोगे ना उसी की चीजें लगाते जाओगे। एक होता है मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने अभी लेक्चर लिखा, लेक्चर दिया आपको, ठीक है, आप में से कोई भी बंदा मेरी ऑडियो को इस्तेमाल करेगा, ठीक है, उसको आ सकता है स्ट्राइक। लेकिन कोई बंदा मेरी वीडियो इस्तेमाल कर लेता है और मैं देखता हूँ कि ये इसने तो मेरी वीडियो इस्तेमाल की है, तो मैं आपको स्ट्राइक मैनुअल भेज सकता हूँ, मैनुअल। अब उस मैनुअल स्ट्राइक को YouTube वाला क्या कहेगा, दोनों को कहेगा, कहेगा हाँ भाई ऑनर कौन है इसमें से आपका। YouTube ये समझता है जिसने पहले अपलोड किया है वो ऑनर है, लेकिन मिसाल के तौर पर मैं कुछ और चीज़ें भी ऑनरशिप में प्रूव कर सकता हूँ कि भाई तस्वीर में मैं नजर आ रहा हूँ बोलता हुआ, तो मैं अपना ID कार्ड अपलोड कर सकता हूँ अपने अकाउंट से। यानी उसके बाद आप किस फेज में चले जाओगे, ऑनरशिप प्रूफ करने के फेज, ठीक है। अब आगे चले जाते हैं नहीं तो हम यहीं पर बहस करते रहेंगे, ठीक है, टॉपिक को आगे ले जाते हैं। ऑडियो की बात हो रही है, अब मैंने यहाँ से ये ऑडियो पिक की है और यहां लाकर इस ऑडियो को मैंने ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब एक और चीज याद रखें कि हर ले, देखें इस
जिस लेयर पे मैंने इसको ड्रॉप किया वहां वॉल्यूम का निशान बना हुआ नजर आ रहा है, आ रहा है आपको? लेकिन जिस लेयर पर तस्वीर है क्या वहां पर वॉल्यूम का निशान है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लेयर में कैटेगरी है लेयर्स की, कि भाई एक ऑडियो लेयर है, एक वीडियो लेयर है और एक इमेज लेयर है, और वो आएंगी कैसे? आप ड्रैग करके लाओगे, वो खुद उसको उधर ही एडजस्ट करेगा, यानी कि इमेज के ऊपर ऑडियो नहीं लगेगी, वो खुद से ही जो उसने ऑडियो की लेयर रखी होगी उसी में उसको ऐड करेगा। हाँ जी, ऑडियो अब आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, एजुकेशनल म्यूजिक, ओके। अच्छा एक और काम करते हैं, ये मैंने अभी एक लगाया ऑडियो, इसके अंदर अपनी ऑडियोज भी मौजूद हैं। कितनी हैं जी ये इंक्लूड? ये देखें आ गई ऑडियोज, फिल्मोरा की जो अपनी ऑडियोज हैं इन पे भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगा, मगर ये सब इंग्लिश ऑडियोज होंगी। तो आपने देखना है कि अगर आपको इन ऑडियोज में से कोई, देखिए ये इंस्टॉल होने वाली भी है, डाउनलोड का बटन मिला हुआ है ना, यानी एक एक दफा इन्होंने इंस्टॉल होने, हर दफा नहीं होने। और ये फिल्मोरा का जो वर्जन है ये इंटरनेट के साथ चलता है, ये भी जहन में रखना है आपने, यानी अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो ये चल रहा होगा, अदरवाइज आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है? मतलब खुल जाएगा, आउटपुट सही नहीं आएगी आपके पास, तो इंटरनेट आपके पास होना जरूरी है इसको चलाने के लिए। अच्छा अब हम यानी ये भी यूज कर सकते हैं, अब प्ले करें इसको जरा, आगे जो तो खाली है सारी, है ना, रुक जाए यहां पे, यहां तक खाली थी ना ये ऑडियो, यहां से भी पता लग रहा है कि ये ऑडियो खाली है, यहां तक क्या ख्याल है, पता लग रहा है? तो मैं कहता हूं कि भाई ये वाला हिस्सा मैं ऑडियो में क्यों इंक्लूड कर रहा हूं, मैं इसको लाया हूं यहां पे, यहां लाया और इस जगह पे रख के राइट क्लिक किया, और ये क्या लिखा है, स्प्लिट। इसका क्या मतलब हुआ, इस लेयर को मैं इस जगह से ब्रेक करना चाह रहा हूं कि यहां से लेयर टूट जाए, ब्रेक हो गई है। अब इस पार्ट को सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें, खत्म हो गई वहां से लेयर। अब इसको मैं ले जाता हूं पीछे, अब स्टार्ट करते हैं, अब ऑडियो शुरू हो जाएगी यहीं से। चल रही है ऑडियो। अब अगला इशू क्या है, अगर मिसाल के तौर पर जैसे मेरी रिकॉर्डिंग का लेक्चर था, तो मैं कह रहा हूं मेरा लेक्चर भी चल रहा है और बैकग्राउंड पे लाइट सा म्यूजिक चल रहा है, ये म्यूजिक तो बहुत तेज है, ऐसे और तेज हो गया। हाँ अब मुझे क्या करना है, म्यूजिक एडजस्ट करना है, ये म्यूजिक का वॉल्यूम है ना, इस पर डबल क्लिक करें, ये आ गया, मैंने कहा किया है ये वॉल्यूम के ऊपर डबल क्लिक किया, ठीक है, और यहां से मैं इसको स्लो कर देता हूं, देखें स्लो हो रहा है। चलो अब देखते हैं, हल्का हो गया म्यूजिक, ठीक। अब म्यूजिक की लेयर बड़ी है, तस्वीरें कम है ना, अब मैं ये चाह रहा हूं कि जहां तक मेरी तस्वीरें नजर आ रही है मेरी लेयर भी वहां तक ही चले, सिर्फ म्यूजिक भी वहां तक चले, तो मैं क्या करूंगा जहां तस्वीर खत्म हो रही है, ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा आगे मूव कर गया हूं, तो जब आपको बहुत नॉर्मल एक एक फ्रेम मूव करना हो तो ज्यादा बेहतर होता है माउस की बजाय एरो की से मूव करना, ठीक है, लेफ्ट एरो और राइट एरो, राइट एरो अगले फ्रेम में ले जाएगा, लेफ्ट पीछे वाले में ले आएगा जी। यहां पर आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से ऑडियो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इसके आगे ऑडियो नहीं होनी चाहिए, क्या करें, कंट्रोल बी कर दें या राइट क्लिक करके इसको स्प्लिट कर दो जी, ठीक है। अच्छा ये सीजर भी बनी हुई है कट करने के लिए, इसमें और स्प्लिट में क्या फर्क है, जब आप स्प्लिट करोगे तो आपकी करंट लेयर ब्रेक होगी जिस लेयर में आप, और सीजर पे क्लिक करोगे तो जितनी भी लेयर्स है ना सब यहां से ब्रेक हो जाएगी, तो ये अब आपकी चॉइस है, जब आपको क्या क्राइटेरिया आपका, जब आप सबको ब्रेक करना चाह रहे हो तो फिर सीजर को यूज कर ले, ठीक है, इसको डिलीट कर दूं मैं। चलो बन गई ये वीडियो, चलो इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूं, वो क्या है, जी ये क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड। अब मैं रिकॉर्डिंग करने लगा, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने अपने ही प्रोजेक्ट दिखाए हैं और आप कुछ बताना भी चाह रहे हैं उसको कि जनाब ये वाला प्रोजेक्ट मैंने इस मकसद के लिए बनाया था, ठीक है, ये वाला मेरा क्लाइंट है,
तो ये उनका प्रोजेक्ट बना हुआ है, ये उस प्रोजेक्ट में से मैंने आपको एक फाइल निकाल कर दिखाई है उनकी, ये रियल स्टेट का प्रोजेक्ट है, ये एजुकेशनल प्रोजेक्ट है, मतलब आप कुछ मैसेज भी देना चाहते हैं बोल के ऑडियो फॉर्म में, ठीक है, रिकॉर्डिंग में। तो मैंने क्या कहा, ये क्या लिखा हुआ है, रिकॉर्ड वॉइस ओवर, रिकॉर्डर का बटन आगे, अब क्या करना है मुझे, इस बटन पे प्रेस करना है और बोलना शुरू कर दूंगा, और जिस लेयर तक जाके बोलना चाहता हूं वहां तक बात करूंगा तो मेरी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, ठीक है। मैंने इस बटन को प्रेस किया, यानी अब क्या हो रहा है, अब मैं जो बातचीत कर रहा हूं इस वक्त आपको, जो बात बोल रहा हूं मैं, वो रिकॉर्ड भी हो रही है इसी वीडियो के साथ, ठीक है। अब जैसे ही मैं चाहूंगा कि भाई इट्स ओके, मेरी आवाज बस यहीं तक होनी चाहिए, ओके, हो गई रिकॉर्डिंग। अब अगर मैं इसको प्ले करूंगा तो मैं रिकॉर्डिंग के दौरान जो बोल रहा था वो भी इस वीडियो के साथ अटैच हो चुका है जी। हाँ, वॉइस की दो हो गई है, बिल्कुल ऐसी है। यानी अब क्या हो रहा है, अब मैं जो बातचीत कर रहा हूँ इस वक्त आपको, जो बात बैकग्राउंड में वो रिकॉर्ड भी हो, म्यूजिक भी ऐड है इसी वीडियो के साथ, ठीक है। जैसे ही मैं चाहूंगा कि भाई इट्स ओके, अब आप इस पे जरा डबल क्लिक करें, मैं कहता हूं थोड़ी सी आवाज इसकी बुलंद करो, है मेरी आवाज बस यहीं तक होनी चाहिए, अब बैकग्राउंड में म्यूजिक भी आ गया। लो जी, सीख लिया फिल्मोरा, खत्म हो गई बात, इससे ज्यादा अभी के लिए नहीं, मतलब अभी क्या करना है, आपने एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए इतना करना है कि चीजें ले आए। अब ये जो चीज है ये क्या है, ये तस्वीर थी, तो वीडियो भी तो आ सकती है कि नहीं, अगर मेरी कोई रिकॉर्डेड वीडियो होती, मतलब मेरा ही लेक्चर और मैं लाना चाह रहा हूँ, ऑडियो का कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेगा ना बीच में, जो जो चीजें लानी है वो कॉन्सेप्ट तो सेम रहेंगे हमारे बीच में। अब इसको कैसे सेव करते हैं? हाँ जी, अब आखिरी स्टेप हमारा क्या रह गया, हमें इसकी आउटपुट चाहिए वीडियो फाइल की सूरत में, कि मैंने उसे मे बी अपने फेसबुक पे लगाना है, या मे बी मैंने किसी को सेंड करना है, या मैंने उसे अपने यूट्यूब चैनल पे लगाना है, तो हमें वीडियो की फॉर्म में चाहिए। तो अब मुझे क्या करना है, इसको फाइनल स्टेप क्या है हमारा, एक्सपोर्ट, फाइनल स्टेप एक्सपोर्ट है, लेकिन उससे पहले एक काम और कर लेते हैं, वो कौन सा, वैसे तो तस्वीर ही माशाल्लाह कैप्शन से भरी पड़ी हुई है, हाँ, तो मिसाल के तौर पर अगर ये वीडियो होती तो इसमें तो कोई कैप्शन नहीं होनी थी, तो मैं ये कह रहा हूँ मुझे इस पर कोई कैप्शंस भी देनी है, लोगो भी अटैच करना है, तो इसका मतलब है और चीज़ें भी लानी है यहाँ पर तस्वीर की शक्ल में। अब मैं ये कह रहा हूँ कि फोटोशॉप भी इस्तेमाल करना नहीं आता सपोज, और क्विकली हम लोगों ने एक कैप्शन बनानी है फोटोशॉप के अंदर ही जाकर, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोटोशॉप में जब कैप्शन बनानी होगी तो स्टैंडर्ड जो तरीका मैं इस्तेमाल करूंगा आपने भी वही तरीका इस्तेमाल करना है, तो कैप्शन तो आप बना लेंगे, ठीक है। कैसे, फोटोशॉप खोलें यहाँ से, और बहुत सिंपल तरीके से मैं खोलूंगा कि जैसे कोई नया यूज़र खोलता है, देखिए बनी हुई है ना कैप्शन, ये प्रीवियस क्लास को मैंने सिखाई थी, आपके साथ भी ऐसे ही करते हैं, इधर आए, मैं जाता हूँ फाइल में, फोटोशॉप खोल लिया मैंने, अब कम से कम ये टूल्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास टूल्स नहीं होंगे तो मैं जो आज बोल रहा हूँ इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगली क्लास में, कि अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करें, और मैंने आपको शेयर भी किया हुआ ये सब कुछ, यानी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, आपसे नहीं होता इंस्टॉल तो लैब में जो माशाल्लाह इतने एक्सपर्ट थे जो इधर आए हुए थे, ठीक है ना, इनसे कहीं हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, ये फोटोशॉप भी है हमारे पास, प्लीज़ ये इंस्टॉल कर दें, मतलब उन्हें कहीं से लेकर नहीं देना, आपके लैपटॉप में तो होगा ना, तो उधर से उनसे इंस्टॉल करवा लो जी। न्यू सिंपल एक स्टैंडर्ड सा पेज ले रहा हूँ मैं, कोई खास पेज लेने का तरीका भी नहीं बता रहा, हाँ ओके, क्योंकि मैं आपको डिजाइनिंग में उलझाना नहीं चाहता, बल्कि डिजाइनिंग इस्तेमाल करवाना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप खुद से करें, जितनी जरूरत पड़े उतना करें। एक लेसन करेंगे गिग थंबनेल का, इधर आगे, अब आपने देखा था कि वो जो हमने बनाया हुआ था सब कुछ, उसमें क्या था, जो अभी मैंने एक तस्वीर दिखाई, एक टेक्स्ट था, एक ब्लॉक था, उसका कलर रेड था, ऐसे ही है ना, इसी तरह की कैप्शन होंगी ना कोई, जो भी आप कैप्शन लिखोगे इसी तरह की कोई कैप्शन होगी आपकी, तो इसका मतलब क्या, पहले मैं एक ब्लॉग बना लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद उस पर टेक्स्ट लिख लेते हैं, और उसके बाद देख लेंगे उसका इमेज कैसे बनना है और फिल्मोरा में उसने कैसे जाना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा राइट साइड पे हमारे ये इधर आए, मैं इसको बंद कर दिया, एक विंडो मुझे नजर आ रही है, ताकि अगर ये विंडो आपको भी इस तरह ही नजर आए तो आपको भी बताओ कि विंडो लानी कैसे है, ठीक है। राइट साइड पे हमें नजर आ रही थी लेयर विंडो, ठीक है, मैंने उसे रिमूव कर दिया, तो मैं F7 प्रेस करता हूँ, क्या हुआ,
आगे लेयर की विंडो। लेयर की विंडो का क्या मतलब है कि आपने लेयर को कंट्रोल करना है तो लेयर की विंडो खुली होनी चाहिए आपके सामने। सो इसका मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया, लेयर की विंडो को खोलने का शॉर्टकट क्या है, F7। अगर आपको लेयर की विंडो नजर नहीं आ रही, आप F7 की की प्रेस करें, नजर आ जाएगी। मैं दोबारा F7 करता हूँ, फिर चली गई है, फिर F7 करता हूँ, आ गई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक और काम करना है, मुझे क्या चाहिए, एक लेयर चाहिए, ऐसे ही है ना। वो जो आपको रेड कलर की एक कैप्शन नजर आ रही थी वो एक बैकग्राउंड बना हुआ था एक लेयर की सूरत में, और टेक्स्ट जो नजर आ रहा था वो दूसरी लेयर की सूरत में नजर आ रहा था। यानी फोटोशॉप में जब आप काम करते हो तो आपका हर काम जो होता है वो एक लेयर की सूरत में हो रहा होता है, ठीक है। सो मैं पहली लेयर कौन सी बनाने जा रहा हूं, बैकग्राउंड वाली लेयर, तो मैं इधर राइट साइड पर आया, बिल्कुल बॉटम पर, सेकेंड लास्ट ऑप्शन पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, क्रिएट न्यू लेयर, इस पर क्लिक कर देते हैं हम। कर दिया मैंने, ऊपर देखें राइट साइड पर एक लेयर बन गई है। अच्छा, उसके बाद सेकंड टूल देखें, टूल बॉक्स में एक रेक्टेंगल सिलेक्शन आ रही है हमारे पास, ठीक है, इस पर क्लिक करें और इसको ड्रैग करते हैं हम। जी क्या हुआ, सिलेक्शन ले ली मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, इसके अंदर कलर देना है हमने। पहले मैंने क्या किया है, लेयर बनाई है, लेयर के बाद एक सिलेक्शन ली है। अब मैं करता हूँ शिफ्ट बैकस्पेस, मैं सीधे सीधे शॉर्टकट से काम करवा रहा हूँ सीधा, ठीक है ना। कि आपने भी ऐसे ही करना है, वीडियो देख लीजिएगा जब आप काम कर रहे हो, साथ इसको भी ऑन कर लें, जिनको खास तौर पर डिजाइनिंग नहीं आती है उनके लिए बात कर रहा हूँ। अच्छा, कलर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, शिफ्ट बैकस्पेस करके यहाँ आए हैं, यहाँ से कलर चूज करें किस कलर का चाहिए। मैं कहता हूँ भाई मुझे ब्लू कलर की कैप्शन चाहिए, सपोज किया मैंने, ओके ओके। अच्छा क्या हुआ जी, यहाँ ऊपर देखें ग्रे कलर आ रहा है, आ रहा है ना ग्रे कलर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने पेज क्रिएट किया था तो उस वक्त वो मुझसे पूछ रहा था कि आप RGB में फाइल बनाना चाहते हो, CMYK में बनाना चाहते हो कि ग्रे स्केल में, ठीक है। सो हमने उसे इग्नोर किया था, तो कोई बात नहीं, नई फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कहाँ जाएंगे, इमेज में जाएंगे, मोड में जाएंगे, RGB में जाएंगे, और ये क्या लिखा हुआ है, डोंट फ्लैटन। फ्लैटन का मतलब होता है कि सबको एक ही कर दो, हम कहते नहीं, खत्म। अब कलर मोड में आ गए हम वापस, मैं क्या, अब कलर मोड में आ गए। अब दोबारा से शिफ्ट बैकस्पेस करता हूं, चलो जी यहां से अपनी मर्जी का कोई भी कलर ले लेते हैं, कलर आ गया। यानी कि एक काम हो गया हमारा, जो कैप्शन का बैकग्राउंड था वो बन गया। अब ये एक सिलेक्शन आपको नजर आ रही है, फोटोशॉप में जितना भी काम करना होता है हमें पिक्सल्स की सूरत में करना होता है, सिलेक्शन की सूरत में करना होता है। अब इस सिलेक्शन की तो कोई जरूरत नहीं हमें, तो हम इसको खत्म कर देंगे कंट्रोल डी करके, ठीक है। मैं कंट्रोल डी करता हूं, सिलेक्शन खत्म हो गई। अब क्या रह गया बीच में, सिर्फ टेक्स्ट लिखना रह गया हमारा। अब लेफ्ट साइड पर आए जी, ये टी का टूल आ रहा है, इस पर क्लिक करें और फिर यहां पर क्लिक करें। तो जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल करना आता है, आगे से तो सारा वर्ड वाला ही काम है। हाँ, सो मैं ये लिख लेता हूं, कुछ भी लिख सकता हूं मैं, मैंने लिख लिया, चलो जी मैं लिख देता हूं माय रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, लिख दिया मैंने ये। अब इसको मैं डबल क्लिक करके सिलेक्ट करता हूं, जैसे वर्ड में सिलेक्ट करते हैं, तो यहां से इसे बड़ा कर लो थोड़ा सा, ठीक ठीक हो गया। बन गई, बस इतना ही हमें चाहिए था। अब ये पूरा पेज तो नहीं चाहिए, मैं कहा पूरा पेज तो नहीं चाहिए ना, बस एक टूल को और इस्तेमाल कर लेते हैं यहां से जी। 1, 2, 3 फिफ्थ नंबर पे एक टूल आ रहा है, क्रॉप टूल, इस पर क्लिक करें और इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लें जो आपको चाहिए था, जो आपका हिस्सा था। लो जी मैंने इतने हिस्से को सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया, वही चीज बन गई। फोटोशॉप नहीं आता, ठीक है ना, कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं फाउंडेशन सीखी हुई है, तो इतना काम आ जाना चाहिए कि कैप्शन कैसे बनानी है आपने, इतना काम आ जाना चाहिए, ठीक है। नहीं आता तो वीडियो बार बार देख के प्रैक्टिस करें तो आ जाएगा। अब क्या रह गया, फाइनल स्टेप क्या रह गया, कि ये तो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है ना, इसको हमने क्या बनाना है, इमेज, ताकि चाहे तो ये फेसबुक पे आ जाए, चाहे ये इंस्टाग्राम पे आ जाए, कहीं पर भी मैं इसको इमेज के तौर पर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। सो फिलहाल तो मैं इसको लेकर जाना चाह रहा था फिल्मोरा में, सो मैं जाता हूँ फाइल पे, सेव एज पे,
और यहाँ से मैं ज़्यादातर जो इमेज सेव करता हूँ वो PNG करता हूँ, ठीक है। सो मैंने इसका नाम क्या रख दिया जी, PNG। इसको मैं रख लेता हूँ आपके ग्रुप के अंदर, क्रिएट। आज क्या डेट है, 12, जी क्या हो गया, चले जिसका नाम कुछ भी रख लो, मैं रख लेता हूं रियल इस्टेट, कैप्शन भी लिख लेता हूं साथ, चलो ये आपकी चॉइस है। फाइल नेम में कभी भी स्पेसेस यूज ना करें, डैश यूज किया करें, ठीक है। अब आ जाएं वापस उधर फिल्मोरा में और क्या करें, यहां डबल क्लिक करें फिर से और यहां अपना इमेज ले आए, पीक में आगे यही है। चलो जी आ गया, इसको ड्रैग करके इधर ले आओ, ठीक है, बड़ा है कोई बात नहीं, छोटा कर लो। चलिए अब आप इसको फिलहाल में जहां पर भी ओवरलैप करना चाहते हो, इसमें तो ऑलरेडी वैसे बहुत कुछ लिखा हुआ था ना। चलिए क्लाइंट के लिए वैसे भी मोबाइल नंबर तो मैटर नहीं करता ना, तो मैंने इसको ओवरलैप करा दिया फिलहाल। अब क्या हो रहा है, मेरी जो तस्वीरें हैं वो ज़्यादा फ्रेम्स में चल रही हैं, है ना, तो इस इमेज को भी मैं उतने ही फ्रेम तक ले जाऊँगा जहाँ तक मेरी वीडियो चलनी है। वो कैसे लेकर जाऊँगा, यहाँ से इसे पकड़ता हूँ और यानी अब क्या हो रहा है, अब मैं जो बातचीत कर रहा हूँ इस वक्त आपको जो बात बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड भी हो रही है इस तरह मैंने इसी वीडियो के साथ, ठीक है। अब जैसे ही मैं चाहूंगा कि भाई इट्स ओके, मेरी आवाज बस यहीं तक होनी चाहिए, ठीक है, किसको पूरे पे आ रही है, पूरे का क्या मतलब, नहीं मैंने बाकी इमेजेस को पूरा नहीं किया था ना, मैं कह सिर्फ फर्स्ट इमेज को पूरा किया था, ठीक है। अब मैं जो बातचीत कर रहा हूँ आपको जो बात बोल रहा हूँ वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, टाइम ना लगे इसी वीडियो का। अब ये काम भी हो गया, यानी कि एक तरह से हम लोगों ने पूरी वीडियो तैयार कर ली है। हाँ अब अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई इसमें से मेरी ये वाली ऑडियो ना चले, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, मैं सिंपल डिलीट भी नहीं करता, वॉल्यूम बंद कर देता हूँ इसका, ठीक है। वॉल्यूम बंद करने से क्या होगा, नहीं चल रही ना मेरी ऑडियो, मेरी ऑडियो बीच में से एक तरीका था ना लेयर डिलीट कर दूं, वो तो खत्म होगी होगी, तो मैंने सिर्फ इसको रिमूव कर दिया। अब इसको हम बनाते हैं वीडियो और एक और टॉपिक को डिस्कस करते हैं, एक्सपोर्ट। वीडियो कैसे बननी है, MP4 बनाने लगे हैं, तो MP4 कैसे बनानी है, हमने एक्सपोर्ट से बनानी है, ठीक है। सो हम यहाँ से एक्सपोर्ट के बटन को प्रेस करेंगे, अब यहाँ से वो पूछ रहे हैं मुझसे वीडियो का हाँ, इसलिए कि उसे क्रैक करना पड़ेगा ना, क्रैक करना पड़ेगा, तरीका मैं बता देता हूँ लेकिन करना आपको खुद ही पड़ेगा। हाँ सबको मैं समझा देता हूँ कैसे क्रैक करना है उसको, क्योंकि जब तक क्रैक नहीं करेंगे तो वो उस वक्त तक ट्रायल वर्जन रहेगा, क्रैक उसके अंदर पड़ा होगा, मैं क्या क्रैक उसके अंदर ही पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको भी, यहाँ पर आके आपने अपनी वीडियो का नाम लिखना है, यहाँ से इस फोल्डर पर क्लिक किया आपने, ये क्या मतलब हुआ, लोकेशन कि किस जगह पर आप उसे सेव करना चाह रहे हैं, ये भी आपने खुद से सेव बतानी है उसे, ताकि आपको पता हो कि आपकी वीडियो किस जगह पर पड़ी होगी, आपने इसको बार बार यूज़ करना है ना, ये लोकेशन आपने खुद से बतानी है अपनी मर्जी से कि भाई डेस्कटॉप पे रखना है, वैसे तो डेस्कटॉप पे कुछ नहीं रखते हैं, ठीक है, अपनी डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाएं उसके अंदर इसको रखें। अच्छा ये कहाँ जा रही है फिलहाल, 3 बजे वाली क्लास में जा रही है, चलें इसे आपकी क्लास में ले आते हैं 36 में और यहीं पर ले आते हैं। चलो उसके बाद क्या कह रहा है, साइज बहुत बड़ा बन रहा है इसका, ठीक है ना, काफी बड़ी स्क्रीन है जी, मैं जिस साइज की वीडियोस बनाता हूँ मैं इसे वो कर देता हूँ। हाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, 1920x1080, इस साइज में मैं इसे बनाने लगा हूँ, ओके किया, और कुछ नहीं करना, मैं जितना बता रहा हूँ सर इतना कर करके आपने स्टेप फॉरवर्ड हो रहे हैं, ठीक है, ताकि आप ये सारे काम कर लें, क्योंकि पूरे टूल को हम एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं इस वक्त, इस वगैरह हम कह रहे हैं कि हमें ये काम करना था इस टूल की मदद से, तो आपको करना आना चाहिए, बनना शुरू हो गया।
अब अगला इशू क्या था हमारे पास, ऑडियोस। एक तो हमने देखा फिल्मोरा के अंदर अब थी आवाजें कुछ जिनके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती मैंने कहा। अब अगर मैं नेट से कोई साउंड लेता हूँ तो उस पर तो कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, ठीक है। इसका तरीका आपको मैं बता देता हूँ जल्दी से, क्या तरीका आपने यूज करना है जी। इधर आए, ये मैं आ गया हूँ YouTube पर, यहाँ पर अब हम सर्च करते हैं। देखिएगा तो मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, नो कॉपीराइट इस्लामिक म्यूजिक, यानी आपको जिस तरह का म्यूजिक चाहिए, ठीक है ना, इस तरह उसको फाइंड करें। अब YouTube के ऊपर ये म्यूजिक कैसे पड़ा होगा, दो तरह का जो म्यूजिक है, इसका एक तरीका तो यह है कि एक बंदे की अगर आप डिस्क्रिप्शन देखो और उसमें उसने कोई क्रेडिट टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, क्रेडिट का मतलब है कि हमें उसे क्रेडिट देना पड़ता है कि भाई हम आपकी चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको इतराज नहीं है, तो वो कहता है अगर आप ये वाला टेक्स्ट कॉपी करके अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे तो मुझे कोई इतराज नहीं, और कुछ ऐसा होगा जिसमें ये भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो नो कॉपीराइट टेक्स्ट होगा हमारा, उसके ऊपर ऑडियो पे स्ट्राइक नहीं आएगी। लेकिन ये टोटल डिपेंड करता होगा उस ऑनर के ऊपर, मिसाल के तौर पर आज वो नहीं दे रहा, चार महीनों के बाद अगर वो चाहे तो दे भी सकता है, मतलब ये कोई लीगल बाउंडिंग नहीं है उसे कि आपने उसे क्रेडिट दे दिया तो वो आपको कभी भी नहीं देगा, उसको लगा कि जनाब आपकी वीडियो मिलियंस व्यू में चली गई है तो वो आपको स्ट्राइक भेज देगा, तो कहेगा भाई हटाओ मेरा म्यूजिक क्यों लगाया हुआ आपने, अदरवाइज क्या होगा उसकी अर्निंग उसको जाएगी जिसके पास उसकी ऑनरशिप होगी। वैसे तो बेसिकली तो तरीका यही होता है कि अगर तो आपको म्यूजिक यूज़ करना हो तो बिल्कुल किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जाकर म्यूजिक लेकर आए जो आपको लग रहा होगा यूट्यूब पे नहीं आएगा, या फिर आपका अपना म्यूजिक होना चाहिए जो भी आप म्यूजिक ले रहे हो, ठीक है। अभी मैंने ये लिखा है इस्लामिक म्यूजिक, जैसे मैं रियल स्टेट की वीडियोज़ बनाता हूँ तो मैं रियल स्टेट म्यूजिक भी फाइंड कर सकता हूँ इस तरीके से, मैं एजुकेशनल वीडियोज़ बनाता हूँ तो मैं एजुकेशनल म्यूजिक भी फाइंड कर सकता हूँ। सो ये आपने टर्म लिखकर खुद से फाइंड करना है, और जो आपके पास म्यूजिक आएगा उसमें से आपको जो लगेगा कि रेलिवेंट है आपकी वीडियो से उसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये मेरे पास आ रहा है, अब ये पूरी प्लेलिस्ट है, शायद प्लेलिस्ट है ना ये म्यूजिक की, अच्छा और नीचे आए इसमें भी प्लेलिस्ट है, और लिखा क्या हुआ नौशीर इस्लामिक बैकग्राउंड म्यूजिक नो कॉपीराइट, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। इधर से मैं कोई एक म्यूजिक लेता हूँ, अब ये देखें इसके ऊपर मेरे पास एक रियल प्लेयर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है। अगर आपके पास कोई भी वीडियो डाउनलोडर है, अगर आपके पास कोई भी वीडियो डाउनलोडर है तो जरूरत नहीं आप रियल प्लेयर को इंस्टॉल करें, लेकिन अगर आपके पास कोई वीडियो डाउनलोडर नहीं है तो आप इस टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए जरा मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, आ गया खुद से डाउनलोड का बटन, यानी कि वीडियो मेरे पास डाउनलोड हो जाएगी। इसे भी लिख लें रियल प्लेयर फॉर इंटरनेट डाउनलोड, तो खुद ही गूगल पर आ जाएगा, उस बटन पर क्लिक करना, रियल प्लेयर का इंस्टॉलर का लिंक आएगा उसे डबल क्लिक कीजिएगा, आपका इंटरनेट अच्छा होना चाहिए तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके फौरन बाद आपने या सिस्टम रिस्टार्ट कर लिया अपना, या गूगल क्रोम को बंद करके चलाएं और यूट्यूब में आएंगे तो ये जैसे मेरे पास बटन आ रहा है ऐसे ही आपके पास भी आना शुरू हो जाएगा जी। रियल प्लेयर यहाँ पर टाइप करता हूँ, ठीक है, ये डाउनलोड का बटन प्रेस करें जी इसको, देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ रियल रियल प्लेयर फॉर लो जी, मैंने ये टाइप कर दिया, देखते हैं क्या आता है, ये वीडियो डाउनलोड होनी शुरू हो गई है, आ गया। ज्यादा बेहतर है कि आप इसको real.com से इंस्टॉल करें, यानी रियल प्लेयर की वेबसाइट से इंस्टॉल करें, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं, देखें जी आगे रियल प्लेयर की वेबसाइट पे ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, डाउनलोड फॉर फ्री, सिंपल, ठीक है, हो रहा है इंस्टॉल, बस इसे डबल क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी और फिर पूरी होगी तो इधर आ जाएगी। अब यहां पर आए जरा, पहले इस वीडियो को देखते हैं जो चल रही है, इसकी डिस्क्रिप्शन देखें,
जी ये देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है लाइसेंस। इसने कोई लिंक्स तो नहीं दिए हुए, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इसको फ्री इस्तेमाल करेंगे तो किस पे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। जैसे आप इस्लामिक कोटेशंस बनाते हो, बना सकते हैं ना इस्लामिक कोटेशन फिर बोरा में, आप तो सीरी लगानी है ना गूगल से ढूंढ के, उसके बैकग्राउंड पे ये म्यूजिक लगा दें इस्लामिक। ये वाला जो म्यूजिक है जो अभी मैंने लगाया, ठीक है, उसने नीचे लिखा हुआ है ना कि क्या लिखा हुआ उसने, यू आर फ्री टू यूज, नो एट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड। इसका क्या मतलब है कि आपको इसे क्रेडिट भी देने की जरूरत नहीं है, यानी आपको उसका टेक्स्ट अपनी वीडियो में लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। तो बस इसको डाउनलोड करें और लगा लें। अब ये म्यूजिक है मगर मेरे पास किस शक्ल में आया, ये वीडियो की शक्ल में आया। तो अगर मैं इसको फिल्मोरा में लेकर जाऊंगा तो क्या होगा, ये वीडियो होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, उधर ले जाके मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। अभी हम स्प्लिट पढ़ रहे थे ना, तो जब मैं उस पर राइट क्लिक करके स्प्लिट करूंगा, वो तो खैर ब्रेक होता है, हम डिटैच करेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँ। लेकिन उससे आसान तरीका क्या है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, ऑडियो बन जाएगी यहीं पे ही। मैं कह यहीं से ही ऑडियो बन जाएगी, ये मतलब उधर जाके हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो भी मैं स्टेप आपको सिखा देता हूँ अभी कैसे करना है। जिस पर क्लिक किया मैंने, MP3 भी बन गई, दूसरी वीडियो भी चल पड़ी है। चलिए इसको देखें, इसके अंदर क्या कह रहा है। इसने भी नहीं दिया वो आपको सब चीज, ठीक है। चले अब आ जाते हैं उधर जरा, चलो जिसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। अब आए फिल्मोरा में, आपकी वीडियो बन गई है, जो वीडियो हम अभी बना रहे थे बन चुकी है। अब हम यहाँ से फाइंड टारगेट करते हैं। जी आ गई मेरी वीडियो, इसे पहले डबल क्लिक करके इसे खोल के देखते हैं। म्यूजिक कैसे निकालना है भाई, ठीक है, यानी कि आपको वीडियो की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ म्यूजिक की जरूरत है। तो मैं यहां पे भी ले आता हूं, डबल क्लिक करें जी। ये कहां पर होता है डाउनलोड, रियल प्लेयर की जो वीडियोस होती हैं, वीडियोस में आपने जाना है यहां पे। हां जब आप डाउनलोड कर लेंगे, पहले इंस्टॉल करेंगे ना, इंस्टॉल करने के बाद डाउनलोड हो जाएगी आपकी वीडियो। तो आपने कहां आना है, वीडियो में आना है, और ये रियल प्लेयर डाउनलोड आ रही है। मैं जितनी डाउनलोड्स कर रहा हूं आप देखें सारी इस फोल्डर में आ रही है, ठीक है। जी अब मैं देखूं वहां पे कौन सी डाउनलोड थी, मुझे नाम से ढूंढनी पड़ेगी। क्या लिखा हुआ है जी, ब्यूटीफुल नशीद। चलें जी बी प्रेस करते हैं, आ गई है ये वाली है, इसे डबल क्लिक करें, कहां आ गई है, और इसको ड्रैग करके ले आते हैं हम, ऊपर लेयर नहीं है अभी हमारे पास, जाने दें जरा, ये देख रहे हैं नीचे नहीं जा रही थी मुझसे, आपने देखा ना मैं खींच के नीचे लेकर जा रहा था, नहीं जा रहा था, वो कहता ऊपर रखें इसको क्योंकि ये वीडियो है, वीडियो ने ऊपर आना है, ठीक है। अब मैंने इसको अलहदा कैसे करना है ये देख लेते हैं, यही है यही थी। अब मैंने क्या किया है, वीडियो ऐड किया है और वीडियो में से साउंड को सेपरेट करना है और वीडियो को सेपरेट करना है, साउंड को रखना है और वीडियो को डिलीट करना है। कैसे करना है ये, समझ आ गया ना कैसे आप लोगों ने फ्री म्यूजिक फाइंड करना है।
इधर आ जाए जी, इस पर राइट क्लिक करें, ये है वीडियो, राइट क्लिक किया तो यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, डिटैच ऑडियो। इसका क्या मतलब है कि ऑडियो को अलहदा कर दो इधर से, ठीक है। सो हम यहां से ऑडियो को अलहदा कर देते हैं, ये ऊपर सिर्फ वीडियो रह गई। और जब वीडियो को और ऑडियो को अलहदा किया तो बेसिकली वीडियो की शक्ल क्या बन गई, एक तस्वीर, यानी बेसिकली वो इमेज ही रह गया था पीछे, क्योंकि वो ऑडियो के साथ वीडियो थी ना। ये देखिए सर, तस्वीर ही है ना, ये इमेज की सूरत में अब हमारे पास है ये। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, चलो ऑडियो की तरह वो देखते हैं। ये नीचे आ गई ऑडियो। अब अगर आप इसको एज ए बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करना चाहते हैं तो इसकी वॉइस पे डबल क्लिक करें और आपको इसको जैसे एडजस्ट करना है एडजस्ट कर सकते हैं। ले जी, आपको इमेजेस के साथ सारा फिल्मोरा हमने सीख लिया कि इमेजेस के साथ हम लोगों ने अगर अपनी वीडियोस बनानी हो तो हम किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, लेक्चर को मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ।